Assalamu alaikum, hello viewers, hello students. I am Ahmed Adnan Akbar, your English teacher, and I welcome you all to my YouTube channel. Dear students, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो kindly इस तरह का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और इस तरह का जो बेल बटन है उसे लाजमी तौर पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल से अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो चलिए आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा वही टॉपिक है कि अगर बच्चों को इंग्लिश सिखानी है तो ये करें, और ये हमारे हमारे लेसन का, हमारे टॉपिक का जो तीसरा पार्ट है। आइए तो आज इस तीसरे पार्ट में, थर्ड पार्ट में जो सेंटेंसेस हैं जो हम डेली बेसिस पे अपने बच्चों के साथ बोलते हैं उन्हें सीखते हैं। तो जी आइए चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, व्यूअर्स, हम अपने बच्चों के साथ इस तरह का जुमला भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा रो रहा है, अगर बच्चा किसी चीज़ पर कोई ज़िद कर रहा है, अगर बच्चा परेशान है, तो आप उससे पूछते हो, बेटा मुझे वजह बताओ, मुझे वजह बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो या तुम क्यों परेशान हो। तो ये जुमला बच्चे से पूछना हो कि मुझे वजह बताओ, तो उसकी इंग्लिश हम पूछते हैं टेल मी द रीज़न, टेल मी द रीज़न, टेल मी द रीज़न, टेल मी द रीज़न। अगला सेंटेंस देखते हैं, ऐसा मत करो बेटा, अगर आपका बेटा या बेटी जो भी आपका बच्चा है वो आपको तंग कर रहा है या कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिससे आप नाखुश हैं, और आप अपने बच्चे से ये कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो या ऐसा मत करो बेटा, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट डू दैट, डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट, यानी कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, या ऐसा मत करो। जी तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, हम अपने बच्चे से लाजमी तौर पे पूछते हैं जब कभी स्कूल से आएँ, ऑफिस से आएँ, और आप आके अपने बच्चे का दीदार करें, अपने बच्चे को देखें प्यार से, तो हम पूछते हैं बेटा आप क्या कर रहे हो, मुन्ना क्या कर रहे हो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। रिपीट कीजिए व्हाट आर यू डूइंग। अब जब भी आपने अपने बच्चे से ये कहना है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उर्दू ना बोलें, लेकिन अगर आपने इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश के अंदर बच्चे के साथ लाजमी कम्युनिकेट करें, एटलीस्ट एक सेंटेंस को 5 से 12 मरतबा आपने बच्चे के साथ वो सेंटेंस बोलना है व्हाट आर यू डूइंग, और बच्चे को फेशियल और बॉडी एक्सप्रेशंस भी साथ इस तरह के दिखाएं कि बच्चा आपके जुमले को थोड़ा सा मफहूम दे। अगला सेंटेंस देखें, हम अपने बच्चे को पकड़ के, लाजमी बात है कि हम अपने बच्चे कहते हैं वो देखो चंदा मामा, वो देखो चांद, वो देखो कितना प्यारा है चांद, इस तरह के जुमले बोलते हैं। तो जब भी हम अपने बच्चे से ये कहना चाहें चांद देखो, तो हम अपने बच्चे को इंग्लिश में कहेंगे लुक एट द मून। अगर आप अपने बच्चे को ये कहना चाहते हैं ना चांद की तरफ देखो या चांद देखो बेटा, तो आप उसे इंग्लिश में कहें लुक एट द मून, लुक एट द मून, लुक एट द मून बेबी, लुक एट द मून, कितना प्यारा है चांद, व्हाट अ लवली मून, What a lovely moon! Look at the moon! What a lovely moon! इस तरह के sentences parents या dear viewers आप खुद याद करें और अपने बच्चे के साथ express किया करें, communicate किया करें, ताकि आपका बच्चा सुने और इस तरह के जितने भी उसके एहसास हैं उसे अपनी language के साथ साथ एक foreign या English language में भी कम्युनिकेट करने के काबिल हो सके। तो रिपीट कीजिए इस जुमले को लुक एट द मून, लुक एट द मून, व्हाट अ लवली मून, व्हाट अ लवली मून। इनिशियल स्टेजेस पे आपको ज़रा ये बड़ा फनी लगेगा, बड़ा रिडिकुलस लगेगा कि यार ये क्या स्टुपिडिटी है कि हम कैसी लैंग्वेज बच्चे के साथ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस लैंग्वेज को हमें ज़िंदगी की किसी ना किसी स्टेज पे हमें ये समझ, हमें ये अकल आ जाती है कि इस लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, आगे
कंपेटिटिव कोई एग्जाम देना है या आगे हायर स्टडीज करनी है हमने या किसी अच्छे प्रोफेशन में जाना है, तो डेफिनेटली इस लैंग्वेज का आपको इस पर मास्टरी होना, इस पर ग्रिप होना, इसका नॉलेज होना ये लाजमी हमारा है। आपको बाद में इसका पछतावा होगा। एनीवेज मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश ज़ुबान बच्चों को लाजमी सिखाएं और इसे एहसास कमतरी का एक वो जो है काज या रीज़न ना बनाएं। इस ये कोई एहसास कमतरी की रीज़न नहीं है। एनीवेज अगला सेंटेंस देखते हैं। वो देखो चांद, यहाँ बच्चे कहते हैं वो देखो दरख्त, वो देखो लड़का है, वो देखो भैंस, वो देखो गाय या वो देखो फलां चीज़। तो वो देखो को हम कहेंगे सी देयर, और जो भी चीज़ आपने दिखानी है बच्चे को कहते हैं वो देखो चांद तो हम कहेंगे सी देयर मून, सी देयर मून, सी देयर मून। अगर आपने बच्चे को गाय दिखानी है तो आप बच्चे से ये कहना चाहते हो वो देखो गाय, तो आप बच्चे से कहें इंग्लिश में सी देयर अ काउ, सी देयर काउ, ठीक है। अगर आप बच्चे को बिल्ली दिखाना चाहते हो बेटा वो देखो बिल्ली, तो आप कह सकते हैं सी देयर, सी देयर, आगे वो चीज लगा दें कैच, सी देयर कैच। अगला सेंटेंस देखते हैं। हम बच्चे से जब मिलते हैं और कहीं जाने लगते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिस में, जॉब पे, या बाजार या मार्केट में बच्चों घर छोड़ के, या स्कूल या यूनिवर्सिटी, जिधर भी बहरहाल अपनी मसूफियत के लिए हम जाते हैं, तो हम बच्चे को कहते हैं जल्दी मिलेंगे, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो अगर आपने बच्चे से ये कहना है जल्दी मिलेंगे, तो आप बच्चे से कहें सी यू सून, सी यू सून। ये बड़ा मशहूर मारूफ जुमला है, लेकिन हम बस सुनते हैं, अमल नहीं करते। हमें ये बच्चों के साथ लाजमी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सी यू सून, बाय बाय, 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 सी यू सून, बाय बाय। अगला सेंटेंस देखते हैं। कल मिलेंगे बेटा, कल मिलेंगे। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं रिलेटिव्स के यहाँ, आप अकेले और आपकी वाइफ घर पे है और बच्चा भी उसी के पास है, तो आप अपने बच्चे से कह रहे हैं बेटा कल मिलेंगे, तो आप बच्चे से कहें सी यू टुमारो, सी यू टुमारो बेबी, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। और बड़ा मशहूर मारूफ जुमला है, हम बच्चे को अक्सर भेजकर कहते हैं बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो इसके लिए हम उसे इंग्लिश में कहेंगे सिट डाउन, सिट डाउन। साथ हाथ का इशारा करें, हाथ नीचे करते हुए सिट डाउन, सिट डाउन बेबी, सिट डाउन बेबी, बेटा बैठ जाओ। इसी तरह हम ये भी जुमला रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ बेटा, स्कूल में हो, घर में हो, जहाँ पे भी छोटे बच्चे हो, तो हम उन्हें कहते हैं खड़े हो जाओ बेटा, वो देखो नीचे चींटियाँ आ रही हैं वगैरह वगैरह काम पर, तो हम बच्चे से कहते हैं स्टैंड अप बेबी, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप बेबी, स्टैंड अप बेबी। और फिर हम बच्चे से कहते हैं बेटा कहो बाय बाय, बेटा कहो बाय बाय, या कोई मेहमान जा रहे होते हैं या मामू फॉर एग्जांपल बच्चे को मिलने आए हुए हैं, तो हम कहते हैं बेटा मामू को बोलो बाय बाय, या चाचू को बोलो बाय बाय। तो इसे हम इंग्लिश में हमें बच्चे से कहना चाहिए से बाय बाय, से बाय बाय, से बाय बाय, से बाय बाय। जी तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई हैं तो लाजमी तौर पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे इस तरह का रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे लाजमी तौर पे प्रेस कर दीजिए, उसे क्लिक कर दीजिए, और इस तरह का बेल बटन भी होगा उसे भी लाजमी तौर पे क्लिक कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा आपके पास यहाँ से अपलोड होने वाले तमाम वीडियो लेक्चर्स रोज़ाना की बुनियाद पर पहुँच जाया करेंगे और आप इसीलिए घर बैठे देख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय बाय।